हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं एसएससी सीएचएसएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले है आपका कॉल लेटर। आपके पास एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर होना चाहिए जो एसएससी ने इशू किया है आपके लिए। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए 10th का सर्टिफिकेट जो आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। याद रखिएगा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रिंसिपल और हेडमास्टर इज नॉट वैलिड। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विल आल्सो नॉट एक्सेप्टेड एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो थर्ड है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को प्रूफ करने के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट प्रूफ कर वहां दिखानी पड़ेगी। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर वैलिड होंगे 1/1/2017 तक के। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ नंबर पे एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट सिर्फ उनको दिखाना है जो उसकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ये सर्टिफिकेट्स आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंटर फॉर्मेट में होने चाहिए। बात करते हैं ओबीसी के सर्टिफिकेट की। तो ओबीसी सर्टिफिकेट की आप डेट दे सकते हैं 8/11/2013 से लेकर 6/5/2017 के बीच में ये ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर आपके पास इसके बीच में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है इस डेट के अंदर तो आप एक एफिडेविट बनवाकर वहां सबमिट करा सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। पांचवा है अगर आप किसी डिसेबिलिटी या फिर फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंटर फॉर्मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए उसको प्रूफ करने के लिए। सिक्स नंबर पर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके यहाँ पर काम जॉब को ज्वाइन करने से। सेवन नंबर पे आपको चाहिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है 10/11/2017 तक का। आठवें नंबर पे आपको चाहिए ओरिजिनल आईडी प्रूफ या आधार कार्ड पैन कार्ड या फिर आपका इलेक्शन कार्ड हो सकता है। नाइन नंबर पे चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 4 से 5 फोटो रखिएगा पासपोर्ट साइज, वहां पर जरूरत पड़ सकती है। और फोटोकॉपी होनी चाहिए सारे अबव सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स की जो भी मैंने ऊपर बताए। और ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए मतलब आपको इनके ऊपर साइन करना है और डेट डालनी है और लिखना है सेल्फ अटेस्टेड। और अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले ही दिन आपका कई बच्चों का टाइपिंग टेस्ट है और कुछ बच्चों का टाइपिंग टेस्ट थोड़ा बाद में है। सो उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। सो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट कीजिए और हम ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीएचएसएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टाइपिंग।